लेकिन सर ताकतवर और बाख्तियार लोगों का एहतसाब कैसे हो सर? ये जब तक ये लोग इक्तदार में हैं, दो चीजें जब जमा होंगी, ताकत और पैसा, इक्तदार और माल और दौलत, दो चीजें जमा होगी, उनका एहतसाब उस निजाम के तहत नहीं हो सकता जिस निजाम के ऊपर वो विराजमान है, क्योंकि निजाम उनका पैदा करदा है, निजाम उन्होंने खुद तख्लीक किया है, निजाम उन्होंने क्रिएट किया है, निजाम उन्होंने खुद डिवेलप किया है, अपने मफादात के लिए कवानीन बनाए, अपने मफादात के लिए आईनी तरामीम की है, अपने मफादात के लिए एक सिस्टम वजा किया है, और उसको जमहूरियत का नाम देते हैं, सिस्टम का नाम देते हैं, कानून का नाम देते हैं, और आईन का नाम देना पड़े वो भी दे लेते हैं, जो इनके करप्शन को तहफ्फुज़ करता है, इनकी सीनाजोरी को करप्शन करता है, कत्ल गारतगरी को करप्शन करता है, नाइंसाफी को तहफ्फुज़ देता है। इंसान गरीब कमजोर बिलखता फिरता है, रोते हैं, चीखते हैं, बेवाएं चीखती हैं, यतीम बच्चे चीखते हैं, गरीबों के बच्चे चीखते हैं, इलाज के बगैर मर रहे हैं बच्चे, उनको गोली नहीं मिलती, पीने का पानी नहीं मिलता, इलाज की वसायल मुयसर नहीं, रोटी रिस्क हलाल नहीं मिलता, लोग रिस्क हराम खाने पर मजबूर हैं, टाइम नहीं है सर, उनके लिए कुछ नहीं है इनके पास, ये सब कुछ इनके अपने और इनके खानदान के लिए, और इसको ये कहते हैं अगर कोई उस ऐसे काम के खिलाफ आवाज उठाए तो ये पूरा एक क्लब है, ये क्लब है, एक ही हमाम में सारे लोग एक क्लब की तरह इकट्ठे अपने पांचों इनके घी में सारे बयक आवाज कहते हैं कि सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है। कहा यह जाता है कि आप डेमोक्रेसी को चैलेंज, आप जमहूरियत के लिए खतरा है सर। हाँ, वो हर वो शख्स जमहूरियत के लिए खतरा होगा जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो गरीब बिलकती हुई मजलूमियत की आग में जलती हुई इंसानियत की हिमायत में बात करेगा, जो कत्ल का किसास मांगेगा, दरिंदगी का हिसाब मांगेगा, जो मुल्क में अदल और इंसाफ चाहेगा, जो कानून की सही हुक्मरानी चाहेगा, जो कौम की भलाई चाहेगा, जो पाकिस्तान को कायद आजम का पाकिस्तान देखना चाहेगा, जो पाकिस्तान को करप्शन से पाक एक ताकतवर मुल्क बनाना चाहेगा, जो आदमी हक की बात करेगा उसको कहेंगे ये डेमोक्रेसी डिरेल कर रहे हैं, ये निजाम को चैलेंज कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए खतरा है, ये किसी एजेंडे पर आए हैं, इनको बुलाया गया है। खुदा तौफीक देता है किसी बंदे को हक की बात करने की, और जिसे अल्लाह नहीं हक की बात उसके मुंह से बुलवाता नहीं बुलाता वो शख्स नहीं बोल सकता।